कर हाजिर हूं यहां पर कमोडिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज गुरुवार के दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है। आज कमोडिटी बाजार का हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है वायदा बाजार का। कल को होली है, आप सभी को एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर शनिवार का दिन हो जाएगा जब कमोडिटी बाजार पूरा बंद ही रहता है। तो ऐसे में आज जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल का अप्रैल वायदा 3085 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि बिनौला खल जो कि 3100 के लेवल्स पर था अब 3000 के लेवल्स पर आ चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी बिनौला खल में तेजी की उम्मीद बाकी है? क्या बिनौला खल अभी भी अच्छे लेवल्स दे सकता है? क्योंकि हमने मंडियों में तो देखा है कि बिनौला खल 3400-3500 है लेकिन वायदा में गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जबकि इस बार उल्टा नजर आ रहा है, हाजिर में तेज है और वायदा में कम है। देखिए वायदा में मुझे लगता है कि बाजार इसी रेंज में रह सकता है 3000 से 3200। मुझे बहुत ज्यादा इसके अंदर तेजी की एक्सपेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अब बाजार जो है वो गिरावट में जा सकते हैं या फिर यूं कहें कि एक सीमित दायरे में फिलहाल देखने को मिल सकते हैं। सभी बाजार अभी फिलहाल सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिनौला खल स्पेशली काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि 3000 से 3200 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अब कैसे सीड की, तो कैसे सीड में देख रहे हैं कि तेजी तो है लेकिन ऊपरी स्तरों पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, सीमित दायरा देखने को मिल रहा है 7200-7300 इसी दायरे में। अभी कैसे सीड इन लेवल्स पर ऊपरी स्तर पर सीमित दायरे में कब तक और रह सकता है? देखिए अभी फिलहाल कैस्टर में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और 7500 तक एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस एक बार जा सकते हैं और हो सकता है कि 10 से 15 दिन में आपको ये लेवल्स देखने को मिले क्योंकि अभी ट्रेंड काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 11200 के ऊपर निकला है, कल के मुकाबले और तेजी बन रही है। और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं 6155 पर है और 6212 का हाई लगा चुका है। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार गम ग्वार सीड में अब धीरे धीरे हल्की हल्की तेजी बनती नजर आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड अब यहाँ से फिर से 12000 और 6500-6600 का लेवल दिखाने के लिए तैयार हैं? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इतनी तेजी बन सकती है। अभी बाजार जो इम्पैक्ट बाजारों के अंदर जो हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो थोड़ा पॉजिटिव है लेकिन दूसरी बात ये प्राइसेस काफी ऊपर भी हैं और इसलिए फ्रेश बाइंग धीरे धीरे रुक रुक कर देखने को मिल रही है जिसकी वजह से एक तरफा तेजी बनती हुई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। गिरावट के साथ बाजार जरूर आ सकता है नीचे, यानी कि अभी शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आ सकती है। वहीं एक्सपेक्टेड यही है कि आगे चलकर इसके एक्सपोर्ट डिमांड अगर पिकअप होते हैं तो कीमतों में तेजी बन सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आपकी क्या राय है, क्योंकि मसालों में हमने करेक्शन भी आते हुए देखी है, चाहे धनिया हो, हल्दी हो, जीरा हो, मसालों में एक नरमी आते हुए नजर आई है। धनिया तो 10500 के लेवल्स पर आ चुका है, ऐसे में अब आपको क्या लगता है, क्या मार्च का महीना मसालों के लिए ऐसी सुस्ती वाला रहने वाला है? बल्कि हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह का माहौल भी और होली का त्यौहार भी है। देखिए अभी बिल्कुल अभी जो एक्सपेक्टेड था मसालों में एक तेजी का रुझान बन सकता है लेकिन अभी वापस से करेक्शन जरूर बनती हुई थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है, चाहे वो धनिया हो फिर या फिर जीरा हो और या फिर देखे तो हल्दी में तो वैसे भी मार्केट जो है वो काफी करेक्शन में है क्योंकि अराइवल्स अच्छे आए हैं। और अभी हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी तो नीचे में 8000 तक भी लुढ़क सकती है और ऊपर में 9200-9600 का लेवल जो है वो टेक्निकली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें जीरे की तो जीरा जब तक 20000 के ऊपर सस्टेन है तब तक इसमें तेजी की तरफ है मार्केट और एक्सपेक्टेड है कि एक बार 21500-22000 तक जा सकता है। यहाँ से जीरा थोड़ी बहुत आज इंट्राडे में करेक्शन बढ़ सकती है। वहीं अगर बात करें धनिये की तो धनिये का भी अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, प्रोडक्शन काफी कम बताया जा रहा है, क्रॉप काफी डैमेज है, उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि धनिये में आगे चलकर तेजी बन सकती है। अगर अभी फिलहाल गिरावट आती है तो उस गिरावट के अंदर भी खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है और एक बार मार्केट अगर करेक्शन में जाता है तो 10000 तक हो सकता है कि आपको नीचे लेवल देखने को मिले जी। रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि सोयाबीन की कीमतों में हमने हाल ही में एक हल्की सी करेक्शन आते हुए देखी है, क्योंकि हमने विदेशों के एक्सचेंजेस में थोड़ी सी नरमी आते हुए देखी थी लेकिन यूएस सोयाबीन में फिर से कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज ने तो अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है जिसकी वजह से अब जो सप्लाई है थोड़ी और टाइट रह सकती है, तो क्या ऐसे में अब सोयाबीन एकदम से उछाल मारेगी? देखिए एकदम से तो फिलहाल तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि सोयाबीन की अगर हम बात करें तो मील के अंदर सोयाबीन मील के प्रोडक्शन में हमने
वो तेजी आती हुई देखी है, और वहीं एक्सपोर्ट जो है वो काफी गिरे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो सुस्त हो चुके हैं, या फिर यूं कहें कि ऊपरी स्तरों से हल्की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर तेल की कीमतों में एक उछाल दर्ज किया जाए, जिस तरीके का अभी का सिनेरियो है उसके चलते एक पॉजिटिविटी हो सकता है कि आगे चलकर मार्केट में देखने को मिले। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक की, तो जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यानी कि जो सी है, सी ने अपने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें सी ने साफ साफ बताया है कि फरवरी 2022 में खाद्य तेलों का आयात 23% बढ़ा है पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले। और ये जो तेजी आई है ये इसलिए आई है क्योंकि शिपमेंट ज़्यादा हो रही है, यानी कि जो इम्पोर्ट है ज़्यादा किया जा रहा है, खपत ज़्यादा हो रही है। और रूपा जी, हमने ऊपर से ये भी देखा है कि सूरजमुखी तेल की जो सप्लाई है वो भी इम्पैक्ट हुई है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, और उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो सूरजमुखी तेल की जो सप्लाई इम्पैक्ट हुई है वो घरेलू मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल और सरसों तेल से पूरी की जाएगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, सूरजमुखी तेल की बजाय जो दूसरे तेलों की जो अब डिमांड बढ़ रही है और जो कंजप्शन बढ़ रहा है, तो क्या उसके चलते अब खाद्य तेलों में तेजी संभव है आगे जाके, या फिर जो सरसों का तेल अब मार्केट में आने वाला है 1-1.5 महीने के अंदर वो इस तेजी को रोक देगा? देखिए, जो सरसों का जो बात है, सरसों में तो देखिए एक्सपेक्टेड है कि अगर आगे चल का जो अराइवल्स आएंगे उनका इम्पैक्ट जो है वो कीमतों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और जहां तक ये सनफ्लावर ऑयल की बात है, उसकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ही हम देख रहे हैं कि अदर एडिबल ऑयल पैक जो है वो भी थोड़ा सा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसका असर हमने तेलों के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। और अगर ये सुलझ जाता है तो फिर बाजार जो है वो रुक पे जाएंगे और फिर तेजी जो है वो थमती हुई दिखाई देगी। अभी के सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर सोयाबीन में भी उछाल आ सकता है, लेकिन सरसों में उतनी ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है जितनी रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन में एक्सपेक्ट की जा रही है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब M6 कॉटन की, तो M6 कॉटन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से लगातार 38,000 के ऊपर सस्टेन है। रूपा जी, हमने कॉटन को 38,000 के लेवल से नीचे में 36,000-35,000 तक जाते हुए देखा था, अब फिर वहाँ से देख रहे हैं कि जो प्राइसेज हैं उनमें एक रिबाउंड देखने को मिला है, रिवाइव हुई हैं प्राइसेज और 38,000 के ऊपर सस्टेन है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अब कॉटन यहाँ से 40,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स दिखा देगी? क्या कॉटन में फिर से जोरदार तेजी आएगी? देखिए, अभी जोरदार तो एक्सपेक्टेड नहीं है। अब जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है, अभी जो कॉटन यान के प्राइसेस में हमें एक नॉर्थ इंडिया साइड में हमने देखा है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, और वहां पर एक प्राइसेस के अंदर बूस्टअप आया है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि आगे जो अगर कॉटन की डिमांड पिकअप होती है तो प्राइसेस के अंदर एक सपोर्ट आ सकता है, लेकिन मुझे यहाँ से फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है। ये शॉर्ट टर्म रैली हो सकती है, देखने को मिल सकती है कि अगर प्राइसेस 38,000 से 40,000 चले जाए, लेकिन काफी मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि बाजार जो है 36 से 35-38 इसी रेंज में फिलहाल स्टेबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सरसों की तिलहन की, तो सरसों तिलहन में आपको क्या लगता है, क्योंकि मंडियों में देख रहे हैं कि जो आवकें हैं बम्पर आवकें देखने को मिल रही हैं, जोरदार आवकें देखने को मिल रही हैं, लेकिन प्राइस अभी भी MSP के ऊपर ही है, 6,000 से 7,000 के दायरे में ही अभी भी सरसों बिकती नजर आ रही है बम्पर आवकें होने के बावजूद। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, जब आवकें थोड़ी कम हो जाएंगी और जो सरसों की आवक है मंडियों में धीरे धीरे करके आने लगेगी, तो क्या सरसों एक बार फिर से जोर पकड़ेगी और अच्छी तेजी की ओर जाएगी? देखिए, अभी के लिए तो फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है कि इतनी लंबी कोई तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अदर एडिबल ऑयल पैक को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरसों की अपना प्रोडक्शन काफी अच्छा खासा है, और अभी अराइवल प्रेशर के चलते हमने बाजार भी थोड़े से स्टेबल होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन अब वापिस से, क्योंकि विदेशी बाजारों का असर बहुत ज्यादा मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके की अब ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ये भी काफी अहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है, तो आगे चलकर कैसी स्थितियां रहेंगी उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। और अगर इसी तरीके से स्थिति गहराती है तो फिर सभी एडिबल ऑयल पैक में उछाल दर्ज किया जा सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आप एग्री कम्युनिटीज के अंदर जिनमें अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है होली के त्योहार पर? देखिए, होली के चलते मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर एक तो तेलों में उछाल आ सकता है, तेलों में तेजी बन सकती है, तेलों के साथ साथ मुझे लगता है कि ग्वार जो है, ग्वार के अंदर एक तेजी का रुझान बना रह सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एम सी वी पर।